Hello students, I hope you all are fine. In previous lecture, we had started the topic of carbohydrates, but it was not be completed. So that's why I will repeat this topic again. Now, let's start the science lecture from carbohydrates. Now, carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं? पोटैटो, बीटरूट, शुगर, ब्रेड एंड आइसक्रीम. इन सारी चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. अगर हम ये सारी चीज़ें लेते हैं तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं आती, हमें इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और वन मोर थिंग इज, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज सेल. प्रोटीन जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के, और ये हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी को रिपेयर और ग्रो करने में, न्यू सेल्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं, और जो पुराने सेल्स हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं या डैमेज हो चुके होते हैं, उनको भी ये रिपेयर करते हैं. अगर हम प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं तो हमारे जो डैमेज सेल है वो रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं. अब प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? एग से, फिश से, मीट से, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये सारी चीज़ें लेने से हमें प्रोटीन मिलता है. ओके, और प्रोटीन को हम ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि इन सब चीज प्रोटीन्स लेने से या प्रोटीन खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्ड करती है. ठीक है, नेक्स्ट इज फैट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फैट्स. नाउ फैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू द बॉडी. दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म. आवर बॉडी नीड वेरी लिटिल फैट. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी. दिस एक्स्ट्रा फैट मेक्स पर्सन बल्क एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज ऑब्सेसिटी. अब फैट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, उसी तरह से फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. अगर आपसे पूछा जाता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं, देन योर आंसर विल बी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर बोथ एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है. अब फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने में. इसीलिए हम सर्दियों में ज़्यादा चीज़ें लेते हैं जिनमें फैट होती है. ठीक है, आवर बॉडी नीड अ वेरी लिटिल फैट. पर हमारी बॉडी को फैट जो है वो कम चाहिए होती है. ठीक है, एक्स्ट्रा फैट अगर हम लेंगे तो हम वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, और इस स्टोरेज की वजह से, इस एक्स्ट्रा फैट की वजह से हमें ऑब्सेसिटी हो सकती है, यानी कि मोटापा आ सकता है. ठीक है, अब फैट के सोर्सेज क्या हैं? फैट किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? बटर में फैट प्रेजेंट होता है, ऑयल में फैट प्रेजेंट होता है, घी, ड्राई फ्रूट्स, जो जंक फूड होता है उनमें भी फैट प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन
ये हेल्प करता है कि बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो सके. वाटर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब वाटर के सोर्सेज क्या हैं? वाटर ऑलमोस्ट हर फूड प्रोडक्ट में ही पाया जाता है. किसी में कम अमाउंट में पाया जाता है और किसी में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन वाटर हर फूड प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट होता ही होता है. और फंक्शंस क्या हैं वाटर के? ये मेन चीज़ है बच्चे, फंक्शंस ऑफ वाटर. फंक्शंस ऑफ वाटर, वाटर के फंक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लेना. वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर जो है वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, अगर हम कुछ खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, उनको डाइजेस्ट तो करना ही होता है, तो वो डाइजेशन हमें कौन हेल्प करता है डाइजेशन में? वाटर. वाटर सेकेंड फंक्शन है कि वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के, उनको हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है. जो भी वेस्टेज हमारी बॉडी में रह जाती है उसको रिमूव कर देता है. किसके थ्रू? स्वेट के और यूराइन के थ्रू, पसीने के थ्रू या फिर यूराइन के थ्रू वो जो है वो बाहर निकाल देता है उसको. नेक्स्ट टॉपिक इज रफेज. रफेज, रफेज एक फाइबर है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है सारे ही फूड प्लांट प्रोडक्ट्स में. ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू. इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ये मतलब ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं गिना जाता है, बट ये हेल्प करता है कि जो फूड अनडाइजेस्ट रह जाता है, जिस फूड को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको हमारी बॉडी में से निकालने में ये हेल्प करता है. रफेज की वजह से ही हमारी बॉडी में से खाना जो है, जो वेस्ट है खाना, मतलब जो चीज़ हमें पच नहीं सकती, जो हम पचा नहीं सकते, उसको बाहर निकाल देता है. और ये हेल्प करता है कि हम कॉन्स्टिपेशन से बचे रहें. कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज, कब्ज की बीमारी से हम बचे रहें. नेक्स्ट इज द वर्कशीट. बच्चे डू दिस बाय योर ओन सेल्फ एंड आई विल गिव द आंसर.